मामा से डर रही हो, बड़े मामा से डर रही हो। बजाओ ढोल बजाओ, शाबाश ढोल बजाओ, हाथ से बजा। कुछ की एक बार सबको गाना गा के सुना दे। हाँ सुना दे। ए चीज को मुंह में डाल। वो इससे पता नहीं क्यों चिढ़ता है ऐसे हाथ करने से। सिंगम फिट। सिंगम 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 सिंगम। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब एकदम बढ़िया होंगे। तो जस्ट सुबह सुबह थोड़ा काम कर रहा था, मैं एडिट कर रहा था, और उसके बाद अभी मैं आपको ले जाता हूँ छत में। आज बहुत ज़्यादा ठंड है यार, मतलब छत में जाके दिखाता हूँ 11:30 बजे कैसा नज़ारा है। तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कोहरा थोड़ा बहुत है। बाकी पुचको उठ चुकी है हमारी, तो पुचको को दिखाता हूँ मैं, और मामू जा रहे हैं बड़े वाले, तो उनको भी दिखाता हूँ। पुचकी उठ गई, पुचकी मामा से डर रही हो, बड़े मामा से डर रही हो। डरती है मामू से, डरती हो, डरती है। कुछ भी तो उड़ गई। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो नहीं आता, बाय। चलो बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो मामू को, बाय कर दो, बाय। बाय। हड़क उठ गई, इसका नाम बहुत सारे नाम है हमारे पुचकी के। सबसे पहला नाम तो पुचकी है, दूसरा लाडो है, तीसरा फड़कू है। फड़कू इसलिए क्योंकि ये चीजें फाड़ देती है। लाडो इसलिए क्योंकि छोटी बच्ची है। पुचकी इसलिए क्योंकि क्यूट है। और कुछ नाम है इसके? ईशानवी। ईशानवी तो रियल नेम है उसका। ईशु निकनेम है। बायवल। बाय सबको, बाय। हेलो गाइस बोल दो। देख क्या कर दिया, दबा रही है टेबल को, दबा रही है। इधर देखो, उसको वो चाहिए। तो गाइस सुबह के 11:30 हो चुके हैं। बजाओ 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 ढोल, बजाओ ढोल, बजाओ बजाओ ढोल, बजाओ शाबाश ढोल बजाओ, हाथ से बजा बजा। नानू के घर में ढोल बजा दे, बजा दे। तूने गांव में भी बजाया था ना, वैसे ही बजा दे, शाबाश। बस इसको ढोल बजाना है। ये मामू की शादी के लिए तैयारी कर रही है, बड़े वाले मामू की शादी के लिए। खड़े नहीं होते उसमें, ये फट जाएगा पुचकू, खड़े नहीं होते। शाबाश। ए खड़ी होगी तो फट जाएगा वो। बजाओ बजाओ शाबाश। उसका आवाज सही है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही। इससे नहीं बचता। अच्छा इससे नहीं बचता, तो ठीक है दूसरा लाओ उसके लिए। स्टिक नहीं मिल रही, वो यहीं कहीं गिरी होगी। देख स्टिक मिल गई, स्टिक से बजाओ, स्टिक से बजाओ, स्टिक से बजाओ, लो बजाओ, स्टिक पकड़ो, लो ये पकड़ो, ये पकड़ो, अब बजाओ, अब बजाओ, इससे बजाओ। बैट से ही बजाना है, स्टिक नहीं। बैट ये अलग है, ये बैट बॉल है। ये 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 फोड़ेगी क्या? फोड़ेगी तो। अच्छा 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 अच्छा। और देखो एक हमारे महाराज जी कहाँ सो रहे हैं, देखो ये देखो ये देखो ये देखो। अरे महाराज जी सोते रहोगे क्या, उठोगे नहीं? हमारा शेर देख पुचकी जा रही है, पुचकी जा रही है, शेर पुचकी जा रही है, बस तू तो सोता ही रहे यार। रात भर से सो जाता है, चिपक के सो जाता है मुझसे। सुबह की स्माइल करो, स्माइल। कम से कम 2-3 बजे उठेगा फिर सो जाएगा, क्योंकि ठंड है। देखो पूरा ढक देते हैं इसको। सो जा तू, सो जा, सो जा। ऐसे ही सोता है ये बिल्कुल ढक के, पता नहीं चल रहा कोई बैठ भी जाएगा इसके ऊपर, तो तकिया समझ के। सुबह 11:35 का कुछ ऐसा नज़ारा देखो, हल्की हल्की धूप आ चुकी है, कोहरा हल्का हल्का लगा हुआ है, कोहरा प्लस पोल्यूशन दोनों है। भीड़ देख रहे हैं आप घरों की, कितने ज़्यादा घर है, बाप रे, ज़रा सा भी स्पेस नहीं है दिल्ली में, पूरा कवर्ड है पूरा। देखो दूर दूर तक एक स्पेस नहीं दिखाई देगा। गली कितनी है यहाँ पे, इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं बस, पूरा कवर्ड है, पूरा यूपी बना दिया है, जैसे यूपी में घर रहते हैं ना चिपके, वैसे छोटे बड़े ऊपर नीचे दाएं बाएं सब वैसे ही बना दिया। देखो ये हाल कर दिया दिल्ली वालों ने कैपिटल का। अरे न्यू दिल्ली में आता ही ये लगा,
वो जो आपको लाल बिल्डिंग दिखाई दे रही है उधर, उससे थोड़ी सी दूर पे लगभग 10 मिनट पे है दिल्ली कैंट का रेलवे स्टेशन, मेन दिल्ली कैंट का। और एयरपोर्ट इस साइड से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। सोचो मेन दिल्ली में ये हाल है, कोई एरोप्लेन जा रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पूरा कोहरा लगा हुआ है, पूरा कोहरा प्लस पॉल्यूशन दोनों। बहुत बुरा हाल हो गया दिल्ली का यार, बहुत बुरा, लोगों ने बहुत बुरा हाल कर दिया, घर ही घर बना दिए छोटे बड़े मोटे, और गलियाँ इतनी इतनी छोड़ी है जिसमें सिर्फ एक स्कूटी जा सकती है, गाड़ी वाड़ी पार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं है। जिसकी अंडरग्राउंड पार्किंग है जैसे हमारी है तो ठीक है, जिसकी नहीं है तो फिर वो रोड में खड़ी करता है और अगले दिन उसकी हेडलाइट चोरी, कभी टायर चोरी, कभी उसका स्टेयरिंग चोरी, कभी उसके शीशे टूटे हुए, तो ऐसे होता रहता है। बट दिल्ली वालों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो ये पूछ की जाने वाली है थोड़ी देर में बस, क्योंकि तबीयत ख़राब है घर पे, इसीलिए खींच 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 शेरों को खींचो, शेर तो कितने आराम से खा रहा है। पूछ के एक बार सबको गाना गा के सुना दे, हाँ सुना दे, सुरताल कर दे। ए चीज को मुंह में डाल। हाँ गा गा गाना गा। और गाएगी, और गाएगी। देखो शेर देखो कितने प्यार से खा रहा है, शेरू खाओ, शेरू खाओ। और गुप्पू कैसा है तू, कहाँ ले जाता है, कौन सी जगह? आरकी ले जाता हूँ, आरकी ले जाता हूँ। कोई दोस्त नहीं बनाई इसने? नहीं। अच्छा तू सख्त है ना इसलिए तू बनाने नहीं देता। देखो उसकी चलना सीख रही है। नूनू छोटू आओ इधर आओ, आओ चलना सीखो, आ जाओ। वाली आ जाओ। वो नहीं आती क्या, उस वाली रैक ले लो ना, वॉकर है वो भी, वो यूज नहीं, देखा वो बोल रही मैं नहीं चलती इसमें। नहीं मैं, वो तो कब से ले, गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ, उसको देखते ही रोने लगे, गाना गाओ। पुचकी तो जा रही है, उसमें बटन से ऊपर, पुचकी की दादी की तबीयत खराब हो रही है ना, पुचकी तो जा रही है, ये ठीक करेगी डॉक्टर साहब, डॉक्टर है ये, डॉक्टर है तू, इधर देख पुचकी तो डॉक्टर है, ये सब की वो है मेडिसिन। कर 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 के गाना गाओ, गाना गाओ, चलो आ जा। मजा आ रहा है, डांस करा दे। वो मुझे काटने को सोचती है तो उसमें आवाज निकलती है। क्या कुछ भी, डांस करा दे, इसको डांस करा दे। आप पूछ के अब डांस करो थोड़ा, अब थोड़ा डांस कर लेते, बेली डांस करते हैं, आ जाओ इधर आओ, आ जाओ बेली डांस करते हैं, बेली डांस करो इधर देखो और बेली डांस करो। कपड़े ज्यादा है ना, हाँ अभी कपड़े ज्यादा, बेली दिख नहीं रही उसकी। पुचकी ढोल हो जाएगी, तेरा ढोल रख दिया, बाय कर दो, बाय कर दो, बोलो बाय मैं जा रही हूँ, बोलो ऐसे, बोलो ऐसे, बोलो बाय बाय बाय, हाँ थोड़े दिन बाद मिलेंगे, हाँ बोलो ऐसे, बोलो थोड़े दिन बाद मिलेंगे, हाँ शाबाश। अपनी लैंग्वेज में बोल दिया उसने, अपनी लैंग्वेज में बोल दिया उसने, पता नहीं आप गाली दे रही कि क्या बोल रही है। नूनी मैं बाय भी कर दिया, नूनू नूनू नूनू, कल तो ये चबा रही थी इसकी स्टिक, ये चबा रही थी। अच्छा देखो कल पुचकी ये चबा रही थी, जो ये चबा रहा है इसको ही पता होगा। कैसा लगा पुचकी तुझे टेस्ट, अच्छा था? ओ हो गया, उसको शेरू चाहिए, पुचकी इसको पकड़ लेगी, ओए इसकी चीज स्टिक चाहिए, कान पकड़ ले, चिपचिपा हो रहा हूँ, कान पकड़ो, कान पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, और बैठा दे, नहीं शेरू डरता है, वो शेरू रिस्पेक्ट कितनी करता है, लगता है कि कहीं उसके लग ना जाए मेरे चक्कर में, बाकी हम बैठ जाएंगे तो शेरू हम पे हमारे पर आ जाएगा शेरू। हाँ चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, देखो शेरू कितना प्यार से बैठा हुआ, वो कान खींच रही है उसके, तभी भी देखो नूनू बाबू क्या कर रहे हैं, चलो अब परेशानी करते हैं, खाने दे उसको, उसको भूख लगी, अब उसका गुस्सा मेरे पे निकाल रहा है, कान को
नोनी इसका गुस्सा उस पे निकाल, नोनी को ऐसे गुस्सा आता है, ऐसे करो नोनी के साथ, ये देखो उसका मुंह देखो, ये देखो उसका मुंह देखो, वो इससे पता नहीं क्यों चिढ़ता है ऐसे हाथ करने से। सिंगम फिट ये सिंगम 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 नोनी चिढ़ता है बस बस नोनी बस सिंगम नहीं उससे नहीं चिढ़ेगा, पुचकी से नहीं चिढ़ेगा, पुचकी पुचकी से तो डरता है वो, पिटाई कर दूंगा अगर। नहीं नहीं उसको खेलने के लिए कर रहा होगा। देखो सर झुका लिया उसने पुचकी के सामने, माता रानी के सामने सर झुका लिया भैरव बाबा ने ना, सिंह हम गंदी बात शीरो गंदी बात काटता नहीं हो वैसे ऐसे दांत छोड़ देता है। बस बस चलो बाय पुचकी, पुचकी बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय कर दो, पुचकी जा रही है, सामान वगैरह सब रेडी हो गया, चले चले हाँ बाय, नानी को बाय कर दे, कर दे नानी को बाय कर दे, चलो चलो नानू को बाय कर दो, तुम ले जाओ, देखो कम दगा के हरी पता करो बाय कर, बाय मंगल बाजार में बाय दीपू। तो गाइस पुचकी तो लगभग 2:30 बजे के करीब चली गई थी, और पुचकी के जाने के बाद लगभग 5 बजे के बाद आ गया दिनेश, जो कि मेरा स्कूल टाइम का इकलौता फ्रेंड है। ठीक है, तो कैसे हो दिनेश भाई? आप कैसे भाई? आपने इसको देखा होगा गोवा की सीरीज में, तो मज़ा आ गया था ना गोवा में, अच्छा उसके बाद से हम मिल रहे हैं तो कैसा है? एकदम बढ़िया, आप बताओ? थोड़ा सा लेट हो गया वरना पुचकी मिल रही थी ना चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ठीक है, गोवा में कितना मज़ा आया तुझे? अच्छा लगा। सबसे बेस्ट क्या लगा तुझे मेरे साथ घूमने में? सबसे बेस्ट बीच का नाम तो याद नहीं है, लेकिन उस बीच पे एक मंदिर था भोलेनाथ का, था कोरियम बीच। हाँ कोरियम बीच, वो सबसे बेस्ट पार्ट था गोवा का। मतलब अगर लो बजट में घूमना है तो अजीत इज द बेस्ट पर्सन अच्छा और सबसे अच्छा और किफायती और तगड़ा वो घुमा देता हूँ ना, पूरा नॉर्थ और साउथ सब घुमा देता हूँ। तो चलो ठीक है, चलते कोई और ट्रिप में, देखते हैं कभी और कॉल। ठीक है चलो, ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और अपन लोग कहीं और ट्रिप पे भी जाएंगे।